A yogi, I roam the mountains like a great mandala. My body is full of bliss, cleansed of desires and pride. I feel well and happy, longing for diversions. Extinguished, I feel joy and solitude. मैं योगी पहाड़ों में रमता, दे मेरी मंडला, आनंद से उमड़ता, इच्छाओं और अहंकार से रहित, खुशी और सुख मेरे हृदय में बसता। विनोद की अभिलाषा अब शांत हुई, एकांत में आनंद का मन झूम उठा। आज मैं आपको एक खास किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है 100,000 सॉन्ग्स ऑफ मिलेरेपा। ये किताब तिब्बत के महान संत मिलेरेपा की कविताओं का संग्रह है, जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान को व्यक्त करने के लिए लिखी थी। 100,000 सॉन्ग्स ऑफ मिलेरेपा में मिलेरेपा ने अपने आध्यात्मिक यात्रा के हर मोड़ का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी कविताओं में जीवन, मौत, धर्म, प्रेम और मोक्ष के बारे में गहरे से विचार किया है। इस किताब में मिलेरेपा ने अपने ज्ञान के माध्यम से हमें ये सिखाया है कि हमें अपने आप को समझने के लिए हमें अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि हमें अपने जीवन के हर एस्पेक्ट को समझने के लिए हमें अपने आप से क्वेश्चन करना होगा। इस किताब में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, द नेचर ऑफ माइंड। मिलेरेपा ने इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमें ये सिखाया है कि हमारा मन ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु या मित्र हो सकता है। एक कोट इस किताब से लिया गया, इन द मोनेस्ट्री ऑफ योर हार्ट एंड बॉडी यू हैव अ टेम्पल वेयर ऑल बुद्धास यूनाइट। अगर आप आध्यात्मिक ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी में इंटरेस्टेड हैं तो 100,000 सॉन्ग्स ऑफ मिलेरेपा आपके लिए परफेक्ट रहेगी। ये किताब आपको इंस्पायर करेगी, आपकी सोच को बदलेगी और आपको एक नई जर्नी पर ले जाएगी। तो क्या आप रेडी हैं अपनी ये जर्नी शुरू करने के लिए? अगर हाँ तो 100,000 सॉन्ग्स ऑफ मिलेरेपा ज़रूर पढ़िएगा और हाँ, अपने थॉट्स शेयर करना मत भूलिए। नमस्ते।